Assalamualaikum viewers, welcome to Ashma's Kitchen। जैसे कि गर्मी का मौसम है और कच्चे आम खूब आ रहे हैं, ऐसे में हम अचार डालते हैं आम का। तो चलिए आज एक अलग तरीके से आम का अचार डालते हैं। यहाँ पर हमने 1 kg कच्चे वाले आम लिए हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें धो लें, और अगर आप कुछ देर बाद आम डालें तो इन्हें पानी में ही डिप करके रखें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आम को थब आम को धो लें, उसके बाद इन्हें हमें मॉइस्चर फ्री करना है। तो आप या अगर इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो इन्हें पोंछ के रख दें, उसके बाद इनको जो हवा रहेगी उससे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तभी हमारा अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब इन्हें कट कर लेते हैं कि हमें इन्हें कैसे कट करना है। सबसे पहले ऊपर से इन्हें कट कीजिए और उसके बाद इसके अंदर से इसको इस तरह से कट लगाइए। पूरा नहीं कट करना है, नीचे से हमें इसको जुड़ा रहने देना है, और इस तरीके से कट लगाइए आप इसमें इस तरह से कि इसकी 8 कली बन जाएगी आम की। इस तरीके से इसकी जो गुठली है वो बहुत सॉफ्ट है, नाइफ की हेल्प से इजीली कट जाएगी इस वाले आम की। तो यहाँ पर हमने इससे में 8 कली कर ली हैं, इसी तरह से सारे आम कर ले। अब पैन में हमने 1 tablespoon सरसों का तेल डाला है, और ये छोटी कटोरी से हमने मेथी दाना डाला है, यानी कि 2 चम्मच के करीब हम यहाँ मेथी दाना ले लेंगे, और 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पर सौंफ ले लेंगे और उसको भी हम फ्राई करेंगे। तब से पहले मेथी दाना को डाला, फिर उसके बाद सौंफ, उसके बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम निकाल लेंगे प्लेट में, क्योंकि इन्हें ग्राइंड करना है। और ये पीली सरसों है 2 चम्मच, और कलौंजी की क्वांटिटी हम कम लेंगे, यानी कि 1 चम्मच इतना सफिशिएंट रहेगा। और अब हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने 1/2 tablespoon ऑयल डाल के डाल दी है हल्दी उतने ही कटोरी से, और मिर्ची भी उतने ही हमने छोटी कटोरी से ले ली है। दोनों को फ्राई करने के बाद इन्हें भी निकाल दिया है। अब ये मेथी दाना ज़ीरा सौंफ को फैला लिया, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इन्हें हमें ग्राइंड करना है, और इसे हमें दरदरा पीसना है। और इससे थोड़ा बड़ी कटोरी से हम यहाँ पे खड़ा नमक डालेंगे। खड़ा नमक क्या होता है, धीरे धीरे घुलता है, इसलिए खड़ा नमक को भी साथ में डाल के ग्राइंड कर देंगे। अब आम की गुठली हम इस तरह से इसमें निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और देखिए, आपको एक मेज़रमेंट बताते हैं, नमक इतना आप रखिएगा जितनी ये गुठली होगी। देखिए, इस कटोरी में ये गुठली बन गई है, उतना ही नमक आप लेंगे तो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा। ये लीजिए, हमारा मसाला दरदरा पीस के आ चुका है। अब हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे, तो इतना ही दरदरा हमें रखना है। तो ये मसाले जो जार में से आ गए, और ये हल्दी और मिर्ची, और ये पीली सरसों और कलौंजी, इन सबको आप अच्छी तरीके से मिक्स करिए कि इवनली सब बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप इसको हाथों से ही मिक्स करिएगा, नहीं तो सही से मिक्स नहीं होगा। और ये देखिए, बिल्कुल हमने गुठलियाँ निकाल ली हैं इसकी आम की, और अब इसके अंदर हमने मसाले को अच्छी तरीके से भर देना है। तो इस आम को, अचार को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप किसी को भी ऐसे ही एक आम का टुकड़ा सर्व करके दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में, और खाने में तो अच्छा बनने ही वाला है, अचार है क्योंकि ये। और इसके अंदर हमने 1 कली लहसुन की इस तरह से डाल देनी है, और इसको वापस से भर देना है। तो इसी तरीके से बाकी सारे आमों के अंदर भी आप इनको इस तरह से मसाला भर दें, और उसके अंदर लहसुन की कली डालकर वापस से इसको फिल कर दें। तो ये देखें, ये हमारे अचार जो है आम का तैयार हो गया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे, और इसको अब 24 आवर्स के बाद हम देखेंगे। तो देखिए, 24 आवर्स के बाद हम देख सकते हैं कि आम ने पानी छोड़ दिया है, हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप पानी की क्वांटिटी देखिए, नमक इसमें डला है, धीरे धीरे जब नमक घुलता है तो आम गलता है और पानी इसका छूटता है। और इसको बस आप बीच बीच में खोल के रख दें। देखिए, ये पानी आपको दिख रहा है ना, तो ये 7 से 8 दिन में पानी भी सूख जाएगा। इसको खोल खोल के रख दें, और थोड़ा सा प्लेस चेंज करते रहें ताकि आम ख़राब ना हो। और अब यहाँ पर अब इसको हम वापस से ढक के रख देंगे। अब यहाँ पर हम 8 डेज़ बाद हम इसको देखेंगे, तो आप देखोगे कि इसका पानी भी सूख चुका है, जो मसाले का ऑयल था वो भी निचुड़ के आ गया है आपको जैसे कि दिख रहा है नीचे से, और आम का परफेक्ट कलर हो चुका है, ये गल गया है ईजीली। देखें, आप देखने से ही पता चल रहा है। तो अब इसको आप एक थाली, बढ़िया सी थाली सजाइए, और इसको आप इस आम के अचार को सर्व कीजिए, तो बहुत ही मज़ेदार आम का बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अचार ज़रूर बनाइए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस अचार को पूरी, पराठे, रोटी,
किसी भी सब्जी के साथ एंजॉय करिए तो ये हर चीज़ के टेस्ट को बढ़ा देगा। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।